2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2019 से हूं। आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए। मैं भी दो साल 2001 डेढ़ साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडीआई पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची, नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका। आपको यह बात ईमानदारी से कहना चाहिए था, आप भी सदन के सदस्य हैं, कि 10 वर्षों में 2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2019 से हूं। आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए, आज तक कोई घोटाले की चर्चा तो आप नहीं कर पाए। आप कोई घोटाला नहीं, बहुत होता है तो घूम फिर के एक ही आदमी का नाम उजागर करते रहते हैं। अरे भाई, उनसे आपका कुछ व्यक्तिगत है मामला तो जाके बाहर में मिलजुल के सलट लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सलट लीजिएगा। आप यह क्यों संदेश उसको देना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ? तो इसलिए ये बात तो नहीं हुआ, आज तक कोई घोटाले की चर्चा नहीं हुई। आप स्याह पत्र लेके आए, हमने अखबारों में देखा। आज आप भी अभी भाषण दे रहे थे, सभी भाषण दे रहे थे, स्याह पत्र की आप चर्चा कर रहे थे। अगर श्वेत पत्र में आंकड़े गलत हैं, जो मैंने पहले भी कहा, तो उन आंकड़ों का खंडन करना चाहिए था। उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक है 2004 से 2014, 2014 से 2024, दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है, तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं, कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी दो साल 2001 डेढ़ साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडीआई पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची, नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा? तो ये तथ्य है, तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे का किसी का इमेज टार्निश करके? जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है, तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम, आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।